मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टीवी। उल्लासनगर में 7 लाख रुपए में बच्चा बेचने वाली डॉक्टर का हुआ पर्दाफाश, ठाणे क्राइम ब्रांच ने मारा था यहां पर छापा। उल्लासनगर शहर के कैंप नंबर 3 के संत कावाराम चौक के पास में महालक्ष्मी नामक नर्सिंग होम में बच्चा बेचने का कारोबार चल रहा था, जहां पर एक बच्चे को 7 लाख रुपए में बेचने का मामला सामने आया था, जिसके बाद ठाणे क्राइम ब्रांच ने छापा मारते हुए नगद पैसों के साथ महिला डॉक्टर को पकड़ लिया। ठाणे क्राइम ब्रांच इस मामले में और भी खुलासा कर सकती है। इससे पहले और भी कितने बच्चे यहां पर खरीदे बेचे गए हैं, इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है। देखिए, पूरे शहर भर में एक तरफ लड़कियां गुम हो रही है, उसका ज्वलंत मुद्दा है शहर के अंदर, और राजनीतिक पार्टियां लव जिहाद के नाम पर ढोंगेबाजी कर रही है, तो दूसरी तरफ जो शहर के अंदर लड़कियां बेचने का जो कारोबार चल रहा है, उस कारोबार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता सोनू पंजाबी जी, हमारी सानिया हिंदुजा जी, हमारे मोरे मैडम, इन्होंने इस रैकेट का पर्दाफाश करने के लिए पूरे महाराष्ट्र भर में बच्चों को बेचना और उस बेच के लोगों को किस तरीके से बेच देना, गैरकानूनी तरीके से बेचना, उसको उजागर करने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता सोनू पंजाबी जी, हिंदुजा मैडम, मोरे जी, इन्होंने एक थाना क्राइम ब्रांच के यूनिट से रेड करवाई और रंगे हाथ बच्चे बेचने के जो प्रक्रिया है वो डॉक्टर चैनानी जो है यहाँ के उल्लासनगर की, डॉक्टर चैनानी जी के माध्यम से और जो कुछ लेडीज़ हैं जो नासिक से आकर उल्लासनगर के अंदर ये व्यापार चला रही थी, इस व्यापार का पर्दाफाश किया गया है। एक तरफ राज्य की सरकार जो है वो सरकार कह रही है कि बेटी बचाओ, देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोल रही है बेटी बचाओ, और उल्लासनगर में बेटी बचाओ के माध्यम का जो संकल्पना राज्य की सरकार ने लिया है वो बेटी बचाओ के सचमुच में जो काम कर रही है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से उल्लासनगर में हो रही है। बेटी बचाओ के संकल्पना है राज्य की सरकार की, और दूसरी तरफ उल्लासनगर में बेटी बेचो अभियान जो चल रहा था, उस अभियान को रोकथाम लगाने के लिए सोनू पंजाबी जी और राष्ट्रवादी के हमारे हिंदुजा मैडम, मोरे मैडम ने बहुत अच्छी संकल्पना ली है, और हमने पुलिस से मांग की है, आदरणीय आयुक्त जो महोदय यहाँ के जो सीपी साहब हैं, जॉइंट सीपी साहब हैं, उनसे भी अभी अभी आदरणीय ओमी कलानी जी ने बात की कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उनको मौका के तहत कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर कि महाराष्ट्र के अंदर कितने ऐसी बेटियाँ बेची गई है, बच्चे बेचे गए हैं, पूरा रैकेट का उजागर होना चाहिए और उजागर करके उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की मांग है।